अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपकी यूपी बीटीसी डीएलएड एडमिशन 2019। तो दोस्तों आज आपकी 13 अगस्त 2019 हो चुकी है, तो आज की हम बड़ी अपडेट्स देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आपकी बार सबको मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बीटीसी में एडमिशन लेना है 2019 में, तो अब जो लास्ट राउंड या फेज टू दोस्तों आ चुका है आपका, इसमें आप सब बच्चों को मौका मिलेगा। देखिए कि और हम बता दें आपके पास अब फेज थ्री नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, फेज टू आपके पास एक अंतिम मौका है, फेज थ्री नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों होगा तो आपका डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस होगा। तो कुछ आपको और बातें दोस्तों बताने वाले इस वीडियो में। देखिए होगा क्या कि आप लोग की फाइनल कट ऑफ क्या होगी। देखिए काफी बच्चों के सवाल आ रहे थे हमारे पास कि सर हमारे इतने नंबर है, क्या हमें सरकारी कॉलेज मिलेगा। देखिए अभी भी दोस्तों आप लोग के सभी सरकारी कॉलेजेस में 40 से लेके 50 50 सीटें तक खाली चल रही है। रीजन क्या है कि भाई बच्चों ने कॉलेज तो अलॉट करा लिया, अब उन्होंने जानबूझकर कॉलेज छोड़ दिया या उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी रह गई होगी, उसके कारण उनको कॉलेज छोड़ना पड़ा। अब दोस्तों देखिए 10 से 15 सीटें तो हर जगह खाली चल रही थी, तो उनको तो अब भी हम नहीं लेंगे फेज टू में भी, क्योंकि 10 से 15 सीटों में दोस्तों जो आप लोग की फ्रीडम फाइटर आ रही थी, एक्स सर्विस मैन या जो अन्य स्पेशल आरक्षित वर्ग थी, तो दोस्तों उनकी आती है तो विशेष आरक्षित वर्ग है वो, तो उस पर आप लोग तो एडमिशन अब भी नहीं ले पाएंगे फेज टू में, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग रहेगी, तो यहाँ आपको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग शुरू होगी, इसको समझिए पहले आप लोग, अभी मौका किनको मिलेगा इस राउंड में उनको समझिए। जिन बच्चों को अभी तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, पहले उन बच्चों को मौका मिलेगा, और जिन बच्चों को हो सकता है कि 2.5 लाख सुपर रैंक, उन बच्चों को मौका मिलेगा। लेकिन दोस्तों उन बच्चों को अभी मौका नहीं दिया जाएगा जिन बच्चों को कोई कॉलेज अलॉट हो चुका था और उन्होंने जानबूझकर कॉलेज नहीं लिया। तो दोस्तों उनको हो सकता है कि डायरेक्ट एडमिशन में फायदा मिलेगा, वो डायरेक्ट जाकर किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। लेकिन उन बच्चों को दोस्तों अभी फिलहाल मौका दिया जाएगा जो बच्चों को मतलब अभी तक कोई कॉलेज मतलब भरा था, प्रेफरेंस डाला होगा चाहे डायट का या प्राइवेट कॉलेज का, वो कॉलेज उनको अलॉट ना हो पाया हो। अब दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में, आपके चार दोस्तों वर्ग हैं ठीक है, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, इन चारों में दोस्तों आप लोग की कट ऑफ क्या जाएगी। देखिए इस बार आपकी कट ऑफ अब डाउन जाने वाली, क्योंकि जिन बच्चों के अच्छे नंबर थे उन्होंने कहीं ना कहीं कॉलेज अपना ले चुके हैं। अब होगा क्या कि आप लोग को पता है कि जो स्टार्टिंग जनरल कैटेगरी की हुई थी, हम आपको बता दें 240 प्लस अगर नंबर थे आपके, तब जाके दोस्तों आपको जनरल में डायट कॉलेज आपको अलॉट हुआ था। जी हाँ दोस्तों, डायट कॉलेज पाने इतना आसान नहीं था शुरू में, लेकिन अब लग रहा है कि आज के दिन जनरल में 210 नंबर बच्चे पाने वाले बच्चे भी डायट पा सकते हैं 220 में। दोस्तों अगर मान लेते हैं अगर आपको 220 नंबर आते थे, अगर आपने प्राइवेट कॉलेज का विकल्प भरा, अगर वो कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुआ, मतलब कोई भी कॉलेज दोस्तों आपको 220 नंबर में नहीं मिला और आपसे अच्छे नंबर वाले बच्चे तो भाई कहीं ना कहीं कॉलेज पा चुके हैं, उसके बाद दोस्तों अगर आपके जिले में डायट कॉलेज खाली होता है, फिर उन सीटों को भरना भी तो है ना, तो उन सीटों में दोस्तों 220 नंबर वाले बच्चों को भी दाखिला मिल जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा। तो सोचिए ये किस्मत होती है कभी कभी कि मतलब आप अच्छे नंबर लाकर 230 नंबर लाए होंगे, जो बच्चे 235 नंबर लाए होंगे उन्हें सरकारी कॉलेज जनरल कैटेगरी से नहीं मिल पाया होगा, लेकिन आज के दिन 210 नंबर 200 नंबर, क्योंकि अब देखिए होता क्या है आपका बता दें, जिन बच्चों की रैंक 2.5 लाख के ऊपर है, पहले वो बता दें, जिन बच्चों की दोस्तों रैंक 2.5 लाख के ऊपर है उनकी जो मिनिमम कट ऑफ होगी आज की, जो हाईएस्ट होंगे वो 180.1.99, ये दोस्तों उनकी मेरिट होगी। जिन बच्चों की रैंक 2.5 लाख से ऊपर स्टार्टअप हो रहा है तो उनकी मेरिट ये है, तो मतलब अभी वो बच्चे भी तो छूट चुके हैं हर एक आरक्षित वर्ग में हो, चाहे जनरल में हो, ओबीसी में हो। देखिए एससी कैटेगरी के भी कुछ बच्चे छूटे हैं, ओबीसी के भी छूटे हैं, जनरल के भी छूटे हैं, इन तीन अलग अलग आरक्षित वर्ग हैं। एसटी की 200 सीटें खाली थी, अगर आपने एसटी नहीं लिया तो चलिए आपकी भी सीट अगर मान ले तो भी बच्चे छोड़ते हैं, तो ये चार अलग आरक्षित वर्ग हैं। अब दोस्तों एक काम करना, आप लोग अपने जहां पर भी रहते हो वहां पर डायट कॉलेज में जाकर बात कर सकते हैं कि आपके डायट कॉलेज में कितनी सीटें खाली है, 30 खाली होंगी, हो सकता है 20 खाली हो, हर जगह की दोस्तों अलग अलग तरीके से डायट की सीटें खाली, ऐसा नहीं कि हर जगह 50 सीटें खाली होंगी, कहीं पर 35 सीटें भी खाली हो सकती है, कहीं पर 40 खाली हो सकती है। तो आपको ये समझना है अगर वहां लेते हो वहां पर आपके 30 भी सीट खाली है, तो आपको 30 सीटों से मतलब नहीं है, लेकिन आपको मतलब है कि आपके आरक्षित वर्ग में कितनी खाली है, आपके एससी में कितनी खाली है, आपके ओबीसी में कितनी खाली है, आपके एसटी कैटेगरी में कितनी सीटें खाली है या आपके जनरल कैटेगरी में, ठीक है दोस्तों, इस बात को आपको समझना है। ऐसा ना हो दोस्तों कि अगर आप जनरल के बच्चे हैं ठीक है, तो आपको ओबीसी, एससी और एसटी से कोई मतलब नहीं है। अगर मान लेते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं और जनरल में एक भी सीट नहीं खाली है, तो समझ लीजिए आपका फिर तो नहीं हो पाएगा डायट में। हाँ अगर आप ओबीसी के बच्चे हैं, जनरल में सीट्स खाली है, तो आपका हो सकता है,
तो ये बात को भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन दोस्तों जब डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा ना, तब आपका ना कुछ नहीं देखा जाएगा, फिर सीधे डायरेक्ट एडमिशन होगा। मतलब जिस बच्चे के मेरिट ज्यादा होगी, जैसे आपके 234 नंबर है या 220 नंबर है, तो पहले आपका एडमिशन ले लिया जाएगा। तो ये होगा डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस। तो अब आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कि क्या होगा। लेकिन चलिए ये आज की खबर पढ़ते हैं। पहले न्यूज़पेपर में क्या आई आज की खबर कि डीएलएड में खाली सीटें भरने को 16 से होगी काउंसलिंग। प्रयागराज, प्रदेश के सरकारी एवं निजी संस्थानों में डीएलएड या बीटीसी की खाली सीटें भरने के लिए 16 अगस्त से काउंसलिंग शुरू हो रही है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि खाली सीटों का जनपद और संस्थान पर विवरण वेबसाइट पर काउंसलिंग से पहले जारी कर दिया जाएगा। देखिए अभी दोस्तों जारी नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई आप लोग का जो सीट ये सब होने वाला काउंसलिंग से पहले आप लोग को ये जितनी भी खाली सीटें हैं ये वेबसाइट पर आपके उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो उसका दोस्तों लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। उस लिंक पर आप लोग क्लिक करके चेक करते रहिए, जैसे आपको पता चल जाएगा कि आपके यहाँ डायरेक्ट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, कहाँ पर कितनी सीटें खाली है। देखिए दोस्तों अभी तक एक चीज और हम बता दें, अभी तक सिर्फ आपके बीटीसी में इस बार टोटल आपका 81,000 एडमिशन ही हो पाया, 81,000 से अधिक बच्चों ने एडमिशन लिया है, और बाकी बच्चों ने दोस्तों नहीं लिया या उनको अच्छा नहीं लगा होगा, जो भी आप समझ सकते हैं कि इस बार बच्चे या तो आप कह सकते हैं काफी उदास निराश है क्यों बच्चों ने छोड़ा। तो ये अपडेट दोस्तों बाद में ही आएगी। अभी देखिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर आपका बीएड था कि सभी बच्चों को यार यही था कि चलो बीएड कर लेंगे तो हमारे पास मौके बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों होता है ना कि अब साल खराब करना आपके ऊपर है कि एक साल हम क्या खराब कर सकते हैं बीएड के चक्कर में, तो ये सब भी बातें दोस्तों मैटर कर जाती है कभी कभी। तो अब की बार दोस्तों सबकी मौका मतलब सबको मौका मिलने वाला, तो आप लोग तैयार रहिए आगे। इस बार रूल भी चेंज किया गया था कि सभी बच्चों को भाई एडमिशन हो सके तो अच्छा ही रहेगा, नहीं होता तो दोस्तों दिक्कत होती है। तो आप लोग दोस्तों देखिए काफी कॉलेजेस में पढ़ाई भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग रहते हैं आपके पास के जितने भी कॉलेजेस होंगे प्राइवेट हो या सरकारी, सभी संस्थान में फिलहाल क्लासेस शुरू हो चुकी है। तो आप लोग भी दोस्तों इसके बाद करना क्या है, 30 अगस्त या आप लोगों को समझ लीजिए सितंबर से आपकी क्लास शुरू हो जाएंगे, जो बच्चे भी छूट गए तो उनकी क्लास तो 30 अगस्त के बाद ही होगी और रेगुलर क्लास करना पड़ता है। कुछ चीजें और आपको बता दें, बीटीसी में कोई छुट्टी नहीं होती, बीटीसी है जिसका नाम बदल के डीएलएड हो गया है। तो डीएलएड का फुल फॉर्म क्या होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसको भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप कॉलेज जाएंगे तो हो सकता है आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि आप डीएलएड करने आए, डीएलएड का फुल फॉर्म तो एटलीस्ट आपको पता ही होना चाहिए। देखिए हम क्या बता रहे थे आपको, इसमें 2 साल का रेगुलर कोर्स है, और आप अगर ये सोच रहे हैं कि इसमें कोई छुट्टी होती है दोस्तों, ना तो इसमें गर्मी की छुट्टी है ना तो कोई ठंडी की छुट्टी होती है। एक बार अगर आपने एडमिशन ले लिया तो मतलब ये समझ के आपको जाना है कि अब आपको 2 साल तक लगातार पढ़ाई करनी है। हाँ इसमें बीच में दोस्तों 4 बार आपकी टीचिंग लगेगी एक एक महीने की, मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं 4 मंथ की आपकी टीचिंग लगेगी, तो मतलब आप यही 4 महीने मस्ती मजे जो करना हो कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के दोस्तों महीनों में आपको पढ़ाई करना पड़ेगा और तो कुछ कर नहीं पाएंगे। फिलहाल ये 4 महीने को छोड़ दोस्तों आपको पढ़ाई यही सब करना पड़ेगा। तो आपको दोस्तों तैयार रहना है कि अगर आप लोग बीटीसी में एडमिशन ले लेते हैं तो फिर टीचिंग कैसे मैनेज करना है, कहाँ जाना है, ये तो आप दोस्तों लेकिन आपका डिसाइड रहता है। आप जिस भी कॉलेज का नाम आपके स्कूल का नाम बोल देंगे आकर, वही आपके स्कूल अलॉट करा दिया जाएगा टीचिंग के लिए। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो अगर आप लोग गाँव से रहते हो तो आपके गाँव में कोई भी प्राइमरी स्कूल हो तो उसका नाम दे देंगे तो आपको दोस्तों वही टीचिंग मिल जाएगी, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल आप लोग जल्दी से एडमिशन लीजिए दोस्तों। अगर देखिए कुछ बच्चों को और कंफ्यूजन हो ना, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि जहां अगर आपके घर के पास अगर आपकी मेरिट ज्यादा कम है, देखिए सभी बच्चों को तो डायरेक्ट अब भी नहीं मिल पाएगा सरकारी कॉलेज, अगर आपकी मेरिट ज्यादा कम है, अगर आपकी 200 से कम आ रही है, तो आप लोग एक बार जाइए सरकारी कॉलेज में छोड़ के प्राइवेट कॉलेज में भी बात कर लीजिए। देखिए दोस्तों प्राइवेट कॉलेज वाले से डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, मतलब क्या है कि एडमिशन तो हो नहीं रहा लेकिन वो पैसे आपसे ले ले रहे हैं, आपको श्योर करके जा रहे हैं कि चलिए हम आपकी एक सीट भर लेंगे। इससे फायदा आपको ये मिलेगा दोस्तों कि मान लेते अगर आप अभी पैसे नहीं देते, अपनी सीट अलॉट नहीं कराते उनके पास जाकर, तो हो सकता है कि वो मैनेजमेंट कर दे सीट को और किसी अन्य बच्चे को वो अलॉट करा दी जाए। तो हाँ अब समय कम है, तो अगर आप चाहें तो भाई किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाकर सीधे बात करके भी अपनी एक सीट सुनिश्चित करा लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। क्योंकि भाई एडमिशन जो फेज 2 के बाद देखिए बहुत जल्दी से सभी लोग डायरेक्ट एडमिशन कराना शुरू कर जाएंगे, और आपके घर के पास देखिए कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं, हमको पता है कि अधिक से अधिक कॉलेज दोस्तों खाली जाएंगे, लेकिन होगा क्या जो आपके घर के पास होगा सभी लोग वही चाहेंगे ना कि आप अपने घर से जो नियरेस्ट कॉलेज हो उसमें एडमिशन लें, ऐसा तो सोचेंगे कि जो 20 किलोमीटर दूर है वहां एडमिशन लेंगे आप। तो यही बात आपको दोस्तों बताना चाहते हैं कि जो अगर आपके घर के पास कोई कॉलेज है तो उसमें तत्काल संपर्क करके एडमिशन अपना जाकर आप लोग करा लें, तो इससे दोस्तों आपका ही फायदा होगा। अगर आप लोग सोचेंगे नहीं यार हम बाद में देखेंगे, तो वो कॉलेज की अगर सीटें एक बार फुल हो गई तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर अगर दोस्तों उसके बाद जो फ्रीडम फाइटर ये सब सीटें बचती हैं
तो कुछ कॉलेज वाले उसकी सीट पे महंगे प्राइस करके उसको बेचते हैं। तो ये बात आपको समझनी है। और दोस्तों जाते जाते हम बता दें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर जनरल में अभी भी अगर आपको सरकारी कॉलेज को उम्मीद लगाकर बैठे तो कम से कम 220 से 200 230 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, 200 हमने काफी कम कर दिए, तब भी आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। ओबीसी में दोस्तों 210 से लेकर 220 नंबर तक, क्योंकि हो क्या रहा है कि अच्छे नंबर वाले बच्चों को या तो कॉलेज अलॉट हो चुका था, उन्होंने कॉलेज लिया नहीं तो उनको मौका नहीं दिया जाएगा दोस्तों। और जो बच्चे बच गए हैं, जिनको कहीं कॉलेज नहीं मिला, उन्हीं को सब सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो ये बच्चे आएंगे दोस्तों, एससी में भी भाई आपके 200 नंबर तक आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है, और एसटी में 190 तक आसानी से सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और फिजिकल हैंडीकैप में भी दोस्तों सेम प्रोसेस रहेगा, 180 से लेके 180 प्लस में आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी आरक्षित वर्ग की सीट खाली होनी चाहिए फिजिकल हैंडीकैप की, तभी ठीक है, विकलांग जो भी आप होते हैं। तो समझ गए दोस्तों आप लोग कि भाई ये है पूरा प्रोसेस हमारा आगे एडमिशन का, कैसे क्या होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब आसानी से आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा एक बार आपको। लेकिन यही है कि हम कहेंगे आप लोग जाइए डायट में बात कर लीजिए, जो भी आपके घर के पास डायट कॉलेज हो वहां पर कितनी सीटें खाली हैं। लेकिन दोस्तों एक दो दिन में हो सकता है कि आपकी वेबसाइट वर्क करने लग जाए। कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक का प्रयोग करके देखिएगा कि साइट चल रही है नहीं। तो दोस्तों चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। सरकारी कॉलेज मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा, फीस कम लगेगी। देखिए सरकारी कॉलेज में होगा क्या, आपका जो फीस लगेगा ना वो आपका लगेगा सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए, 200 रुपए एक साल का लगेगा, और प्राइवेट कॉलेज में 41,000 रुपए लगेगा पर ईयर। उसके बाद उससे इसमें प्रैक्टिकल फीस कम से कम 3,000-3,000 रुपए पर 2 बार सेमेस्टर में देंगे, तो 6,000 ये आ जाता है। तो मतलब इतना समझ लीजिए प्राइवेट कॉलेज में एक साल का एस्टिमेट प्लान जो जाएगा आपका 70 से 80 हजार रुपए जा सकता है। अगर आप ये सोचें कि हमको कॉलेज भी नहीं जाना है, घर बैठे पढ़ाई करनी है, तो तब की बात है, नहीं तो अगर कॉलेज जाएंगे तो ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। तो एक ईयर का अगर आप कॉलेज जाएंगे तो दोस्तों आपका 60,000 रुपए तक पड़ेगा। ठीक है, आप बात कर लेंगे कॉलेज में जाकर, खुद ही बता देंगे। लेकिन कुछ कॉलेज वाले अच्छे होते हैं तो वहां कम लिया जाता है पैसा, नहीं तो भाई बाकी कॉलेज वाले तो अच्छा खासा पैसा लेते हैं। तो ये आपका सरकारी कॉलेज है, यहाँ पर तो हर सब कुछ कम टू कम रहेगा, रेट टू रेट चलेगा दोस्तों। ऐसा नहीं होता है होलसेल मार्केट नहीं है जहाँ जाते कहते हैं कि रेट टू रेट माल मिल रहा, तो वैसे ही आप समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और आप लोग जल्दी से जाकर अपना एडमिशन करा लीजिए।